सबसे दुर्बल जो है, जो बिल्कुल मरा हुआ वायरस, वो इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अपने शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, मतलब WBC जो रहता है ना, एक होता है RBC, एक होता है WBC। WBC क्या करता है, रेड ब्लड सेल, मतलब अपन समझते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी नई चीज अपने शरीर में आती है वो फट से एक्टिव हो जाता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स है, और जैसे कोई देखा बाहर से आदमी आ रहा है, अपन एक्टिव हो जाते हैं ना कि यार घेरा बना हुआ है, कौन आदमी बाहर से आ रहा है। ऐसे ही अपने शरीर में कुछ भी चीज नई जाती है तो फटाफट WBC एक्टिव होकर अटैक करता है उस पर। अब जब उस वायरस पर अटैक होता है, दोनों लड़ते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है, फीवर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यदि फीवर आ रहा है बहुत अच्छी चीज है, इसलिए अपने यहाँ तो बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग हैं, जब भी अपन ले आते थे डॉक्टर बोलते थे ना ये टीका लगा लो, चिंता मत करिएगा, हो सकता है फीवर है। फीवर क्यों आ रहा है, पोलियो का अपन जो करते हैं, पोलियो खुराक मतलब क्या, या जो भी अपन जो काली खांसी, वूपिंग कफ वगैरह जो भी टीका लगाते हैं, इसका मतलब उस बीमारी को वायरस इंजेक्ट इसलिए करते हैं, लेकिन सीधे वायरस नहीं, बिल्कुल दुर्बल, ताकि अपनी उसमें जो है WBC उसको अटैक करे, और अटैक करने का मतलब ही जो धीरे धीरे बनता है वही कहलाती है एंटीबॉडीज, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज कि इसमें कुछ लोग ये कहेंगे उसको लग गया टीका फिर फीवर आ गया तो बेकार है। शुक्ला जी बताइए, अपन ने देखा कि ये बीमारी तो आपको पता है टीका लग खोजने में कई बार 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं, पोलियो की दवाई आने में पूरा पोलियो में 20 साल लगे हैं, तो एक साल में आपने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अचानक डेवलप नहीं होती, तो दो टीके का अपन क्यों कह रहे हैं, पहला टीका लगाया आपको फीवर आया, इसका मतलब आपके इसमें कोरोना का वायरस गया, WBC को पता चला, अटैक हुआ, लड़ाई हुई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, फीवर आया, इसका मतलब डेवलप। 28 दिन तो ये लग जाएंगे। फिर उसके बाद होता है बूस्टर डोज, यानी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना, ओके, अपन ने फिर से दूसरा टीका लगाया, फिर इसके 28 दिन बाद जब आप टेस्ट कराओगे कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कितने परसेंट बना। अभी वैक्सीन भी कितनी है, एक वैक्सीन है मतलब 70% तक कारगर है, 100 में से 70 लोगों में रोकेगा, हो सकता है वो अपन ना हो, इसलिए आगे हो सकता है ऐसा करें कि आप खुद कराएं सरकार की तरफ से, अपन टेस्ट कराएं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं बनी हो सकता है फिर से लगे। अब उसके बाद में जो लोग कह रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए मुझे मेरा सेकंड डोज भी हो गया, आपका वायरस लोड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आप में कोरोना इतना ज्यादा है कि आपके इन्फेक्ट में आपके टच में जो भी आएगा उसको कोरोना हो जाएगा, है ना, मैं वैक्सीन लगवा चुका हूं, तो मुझे क्या होगा, मान लीजिए कभी हुआ तो इतना माइल्ड होगा कि जो लंग्स इन्फेक्शन जिसके कारण डेथ हो रही है वो नहीं होगा, हल्की से सर्दी जुकाम हुआ, फीवर भी नहीं आएगा, लेकिन तो मेनली शुक्ला जी यही तो हो रहा है, लंग्स में हो रहा है वेंटिलेटर, और आदमी 3-4 दिन, तो यदि मैंने लगवाया भी तो क्या होगा, हल्की सर्दी खांसी होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, एसिम्टोमेटिक मतलब सर्दी खांसी नहीं होगी, फीवर नहीं होगी, लेकिन यदि मैं टेस्ट कराऊंगा तो हो सकता है कोरोना आए। इतना बड़ा आपको, यानी आपकी जान जो बच रही है और उसके बाद यदि कोरोना हो रहा है, तो अपने को ये निगेटिविटी लोगों की हटानी है, जैसे सर ने कहा ना कि हम जाके कुछ नहीं, जो सोया उसको भी जगाओ। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे शुक्ला जी आप देखिए हमारे कितनी बातचीत होती है, इनके सुझाव उस समय इनका सहयोग था, डेढ़गे जी का आपके वहां पर अपन गए, कितना लोगों ने सहयोग किया, जब जाके कंट्रोल हुआ। मजेदार चीज सुनिए, इंदौर कितना बड़ा है।